दुबई के ट्रैफिक कैमरे में देखिए कैसे पकड़ते हैं शेखों को। मान लीजिए आप यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में गाड़ी चला रहे हैं और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और अचानक ही आपके खाते से पैसे कट गए। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया। हमारे यहाँ तो पहले पुलिस वाला रोकेगा, फिर चलान बनाएगा, फिर आप घूस दोगे, फिर आप निकल जाओगे। तो दोस्तों अपने यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन यूएई यानी दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दुनिया के सबसे एडवांस शहर दुबई में चाहे वीआईपी हो या आम आदमी, यहाँ चालान का सिस्टम सबसे अलग है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब नियम तोड़ा है। आज हम आपको ऐसी गजब बात बताने वाले हैं कि बिना किसी पुलिस वाले के, बिना किसी के रोके नियम तोड़ने पर दुबई में कैसे चालान काटा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या गजब की टेक्नोलॉजी है और ये हमारे देश में आ जाए तो दोस्तों हमारी तो रोज रोज चालान कटेगी। और ये जानकारी तो बहुत गजब की है, लेकिन इसे जानने से पहले हमारा एक काम कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दुनिया के सबसे एडवांस शहर दुबई में वाहनों का चालान काटने के लिए आपको सड़कों पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा। यहाँ आपको नियम तोड़ने पर थोड़ी देर में ही आपके पैसे कट जाते हैं, खुद ही कट जाते हैं और आप देखते रह जाएंगे इतनी हाई टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और कैसे काम करती है। हम आपको बताते हैं, दुबई के सड़कों के किनारे एक टावर जैसे दिखने वाले डिवाइस लगाए गए हैं। हर डिवाइस की कुछ किलोमीटर तक की रेंज होती है और इस रेंज में हर कार इससे जुड़ जाती है और कोई भी नियम तोड़ने पर इस डिवाइस में लगे कैमरे वो उस वाहन की फोटो खींच लेते हैं और वाहन का चालान काटने पर खाते से तुरंत फाइन का पैसा काट लिया जाता है। दुबई के सभी ड्राइविंग लाइसेंस उनके खाते से लिंक रहता है, इसलिए चालान काटने पर तुरंत जुर्माना काट लिया जाता है। मतलब समझ सकते हो आप, अपने थोड़ी सी स्पीड तेज की और उतनी तेजी से आपके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। हमारे यहाँ तो पुलिस वाला एक चैनल है जो बीच में आ जाता है और हम हजार के चालान को 100 रुपए देकर निकल जाते हैं। यकीन मानिए दुबई में ऐसा नहीं होता है, सभी वाहनों की स्पीड लिमिट नहीं है एक ही। दरअसल दोस्तों ये रडार पहले ये देखता है कि वाहन कौन सा है। यहाँ कार के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निर्धारित की गई है। अगर कार इससे थोड़ा सा भी तेज भागती है तो रडार इनको कैप्चर कर लेता है और इनकी तस्वीर खींच कर कमांड सेंटर भेजता है, जहाँ से चालान काटने का मैसेज आपके सीधे आपके फोन में मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा वाहन जैसे ट्रक तो उसकी स्पीड लिमिट दुबई में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अगर ट्रक इससे तेज स्पीड भागता है तो उसका चालान भी सीधे कट जाता है। मतलब सीधी बात, नो बकवास, ना किसी से आप फोन करवा सकते हो और ना ही आप किसी को घूस दे सकते हो। यही है दुबई, जहाँ हर चीज एडवांस है। दुबई के लोग दुनिया से 50 साल आगे जी रहे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये सड़क के किनारे लगे ये स्पीड लिमिट रडार आखिर काम कैसे करते हैं। सड़क के किनारे रडार को लेजर यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें से स्पीड लेजर के माध्यम से डिटेक्ट की जाती है। इस रडार के सबसे नीचे लेजर होता है और बीच में होता है कैमरा और सबसे ऊपर होता है फ्लैश। सबसे नीचे मौजूद लेजर ही सारा खेल करना करता है। मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी अपनी निर्धारित स्पीड से तेज गति से आ रही हो तो लेजर उसे देखेगा, उसके बाद कार का आकार, उसकी लेन और उसकी स्पीड लेजर के द्वारा देखी जाती है और थोड़ी सी भी तेज स्पीड लग मिलने पर कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाता है और फिर सबसे ऊपर वाले भाग में लगे फ्लैश आपको कहने से पहले ही पैसा काट लेता है। यहाँ लगे कैमरे का मुख्य काम आपकी गाड़ी का नंबर को देखना होता है और वही से सारा खेल हो जाता है। अब खेल केवल तेज स्पीड का ही नहीं है, और भी बहुत चीज है जिससे आपका चालान कट सकता है। सड़क के किनारे लगे रडार ये भी देखते हैं कि आपने सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, आपके हाथ में फोन तो नहीं है, गाड़ी के अंदर अधिक लोग तो नहीं है। इस रडार में लगे कैमरे इतनी हाई रेजोल्यूशन के होते हैं कि कार के अंदर क्या हो रहा है ये आसानी से भाप लेते हैं। तो अगर आप दुबई गए हो और आपको लगता है कि गाड़ी धीरे चलाएंगे और अंदर मोबाइल से बात करते रहेंगे तो आपका कट जाएगा दोस्तों चालान। इसलिए दुबई में गाड़ी चलाते समय स्पीड के साथ साथ इन सभी चीजों का जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।